वर्ल्ड कप 2020 के भविष्य को लेकर चल रही आईसीसी की बैठक खत्म हो चुकी है और आईसीसी ने कई कठिन और बड़े फैसले T20 वर्ल्ड कप पर ले लिए हैं, क्योंकि इस साल अक्टूबर में होने वाला वर्ल्ड T20 पोस्टपोन हो सकता है। वर्ल्ड कप के आगे बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं और अगले साल जनवरी में यह वर्ल्ड कप अब कराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आईपीएल को इससे फायदा हुआ है या नुकसान? आज इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आईपीएल को कितना बड़ा घाटा हो गया है, नुकसान हो गया है इस पूरे वर्ल्ड कप सिनेरियो से। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे सभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आईसीसी की इतनी इमरजेंसी कंडीशन में ये बैठक क्यों बुलाई गई थी, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में इमरजेंसी की स्थिति है और आईसीसी का भी मानना यही है कि इस समय क्रिकेट के बारे में किसी को बातचीत नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर क्यों आईसीसी ने अक्टूबर में होने वाले किसी एक बड़े इवेंट को लेकर आज बैठक बुलाई? दरअसल दोस्तों, पूरा मसला यह है इस मीटिंग का कि जो 12 टोटल मेंबर्स हैं आईसीसी के, उन सभी मेंबर्स ने ये मांग की थी, 17 जो स्पॉन्सर्स हैं वर्ल्ड कप के उन्होंने भी ये मांग की थी कि आईसीसी कम से कम क्लियरिटी से ये तो बता दे कि इस साल का वर्ल्ड कप हो पाएगा या नहीं। उस हिसाब से सभी लोग अपनी अपनी प्लानिंग करेंगे, अपने अपने बायलेटरल सीरीज के प्लान्स बनाएंगे, अपने अपने एफटीपी में बदलाव करेंगे, और इसीलिए आईसीसी ने ये बैठक बुलाई थी। तीन मुद्दे थे दोस्तों इस बैठक के जो आईसीसी ने वर्ल्ड कप पर बुलाई थी। पहला मुद्दा ये था कि क्या अक्टूबर में ही वर्ल्ड कप को कराया जाए। दूसरा मुद्दा यह था कि अगर अक्टूबर में ना कराया जाए तो क्या 3 महीने का एक प्रोविजनल विंडो निकाला जाए और जनवरी में कराया जाए। और तीसरा मुद्दा यह था कि इस साल और अगले साल ना कराकर 2022 में जो वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में कराया जाए। तो ये तीन मुद्दों पर बातचीत होनी थी। जो पहला मुद्दा था वो यही था कि क्या अक्टूबर में होना चाहिए, और बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स, जिसमें भारत भी ये बोला था, भारत ने भी कि नहीं, अक्टूबर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत के हिसाब से और कई बोर्ड मेंबर्स के हिसाब से अभी स्थिति इमरजेंसी की है। पूरी दुनिया में हमें पता नहीं है कि कब तक कोरोना वायरस रहेगा, तो इस साल अक्टूबर तक मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड कप नहीं कराना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में भी अभी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो टीमें, विदेशी टीमें क्या अक्टूबर में जा पाएंगी ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक सवाल था। दूसरी एक विंडो थी कि जनवरी में कराएं क्या, तो बहुत सारे बोर्ड मेंबर, जिसमें भारत भी ये कह रहा था कि हाँ जनवरी में हम करा सकते हैं, क्योंकि जनवरी में स्थिति क्लियर हो सकती है, अगला साल शुरू हो जाएगा, वैक्सीन जब तक नहीं बन के आएगा, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का मानना था जब तक वैक्सीन बनकर नहीं आएगा तब तक स्थिति क्लियर नहीं होगी, और सितंबर अक्टूबर नवंबर तक वैक्सीन आने वाला है, तो जनवरी तक स्थिति हाथों में होगी, तो इसीलिए जनवरी की स्थिति पर बहुत सारे लोग सहमत थे। 2022 पर अभी कोई सहमत नहीं हुआ है, कोई भी बोर्ड मेंबर ये नहीं बोल रहा है, कोई भी स्पॉन्सर नहीं बोल रहा है कि 2022 में वर्ल्ड T20 होना चाहिए। तो ये जो तीन मुद्दों पर बैठा कोई, उसमें एक चीज साफ हो गई कि बहुत सारे बोर्ड मेंबर जनवरी में आईपीएल के पक्ष में है और अक्टूबर में नहीं है, और इसीलिए बहुत जल्दी हो सकता है ये फैसला भी दे दे आधिकारिक रूप से आईसीसी की जनवरी में वर्ल्ड कप होगा। अच्छा, ये तो वर्ल्ड कप का पूरा सिनेरियो हो गया, मीटिंग हो गई, लेकिन इससे आईपीएल को क्या नुकसान फायदा होगा? दरअसल दोस्तों, जो बहुत सारे सोर्सेस है ना वो यही बता रहा है, और ये वीडियो में कल भी बना सकता था, कल ही ये खबर आ गई थी, लेकिन कुछ जानकारियां जुटाना जरूरी था आप लोगों के लिए जो कोई नहीं बता रहा है। दरअसल दोस्तों, बीसीसीआई की ये बैक चैनल डिप्लोमेसी है, ये जितनी भी मीटिंग हुई है ना वर्ल्ड कप पर, ये बीसीसीआई द्वारा कराई गई है बैक चैनल से, क्योंकि बीसीसीआई को सीधा फायदा है, हालांकि नुकसान भी है, लेकिन एक सीधा फायदा है कि अगर अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप नहीं होता है तो एक विंडो क्रिएट हो जाएगी, एक ऑप्शनल विंडो क्रिएट हो जाएगी आईपीएल 2020 कराने के लिए, और ऐसी स्थिति में आईपीएल को आप अक्टूबर नवंबर में भी करा सकते हैं, ना बारिश होती है, और उस समय अगर एफटीपी में बदलाव नहीं हुआ तो विदेशी खिलाड़ी भी अवेलेबल होंगे। तो इस विंडो की तरफ मैंने आपको बताया था कि पिछले एक महीने से बीसीसीआई देख रहा था कि कैसे ना कैसे करके अक्टूबर नवंबर में आईपीएल के लिए एक विंडो खुल जाए। फेस्टिव सीजन होता है, दिवाली का सीजन होता है, सब कुछ बहुत पक्ष में है उस समय बीसीसीआई के, और ये बैक चैनल से बीसीसीआई ने कराया है कि कैसे ना कैसे कर 3-4 महीने आगे पीछे कर टूर्नामेंट वर्ल्ड कप को बढ़ाया जाए और ये कराया जाए। लेकिन दोस्तों, इससे बीसीसीआई को एक नुकसान भी है, आईपीएल को एक नुकसान भी है, वो भी सुन लीजिए। दरअसल दोस्तों, शॉर्ट टर्म में तो बीसीसीआई को फायदा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमें पूरी चेन समझनी पड़ेगी इससे, और इससे आईपीएल को क्या नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, ये भी समझना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, अगर सब कुछ बीसीसीआई के हिसाब से चलता है तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या क्या होने वाला है। सितंबर में होगा एशिया कप, एशिया कप भी बहुत सारे लोग देखते हैं क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच होता है, और ऐसी स्थिति में एशिया कप को बहुत सारी व्यूअरशिप जाने वाली है, बहुत पैसों का फायदा एशिया कप को होने वाला है।
लेकिन एशिया कप के तुरंत बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा अक्टूबर में। तो हमें पता है दुनिया का ट्रेंड यह है कि जब बैक टू बैक टूर्नामेंट्स होते हैं तो जो नेक्स्ट टूर्नामेंट होता है उसमें व्यूअरशिप घटती है, ब्रांड वैल्यू घटती है, पैसों का घाटा होता है। तो डेफिनेटली आईपीएल में उतनी ज्यादा व्यूअरशिप नहीं घटेगी, लेकिन एशिया कप के बाद हल्की सी व्यूअरशिप घटेगी, हल्का सा ब्रांड वैल्यू का नुकसान इस साल अगर अक्टूबर में आईपीएल होता है तो उसको होगा। लेकिन उसके बाद स्थिति और भयावह हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड आईपीएल के तुरंत बाद वर्ल्ड टी20 होगा जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में। 17 स्पॉन्सर है दोस्तों उनके पास, जिसमें से आधे छिटक जाएंगे अगर जनवरी में होता है, क्योंकि व्यूअरशिप बहुत घट जाएगी वर्ल्ड कप तक। आप 6-7 महीने तक लगातार क्रिकेट टूर्नामेंट्स नहीं करा सकते, तो वर्ल्ड कप जब होगा ना अगले साल, तब तो बहुत स्थिति हो जाएगी कि व्यूअरशिप बहुत नीचे चली जाएगी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आईसीसी को घाटा होगा। लेकिन उससे बुरी स्थिति होगी 2021 के आईपीएल की, क्योंकि जैसे ही वो वर्ल्ड कप खत्म होगा फरवरी में, मार्च अप्रैल में फिर से आईपीएल शुरू हो जाएगा 2021 का। तो ऐसी स्थिति में जो 2021 का आईपीएल होगा उसकी व्यूअरशिप तो एकदम नीचे चली जाएगी। ऐसा ही कुछ 2011-12 के दौर में हुआ था, जब टीमें बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी, 10 टीमें खेली थी 2011 में, तो मैचेस ज्यादा हो गए थे और व्यूअरशिप गिर गई थी, देखने वालों की संख्या गिर गई थी आईपीएल की। और यही कुछ गणित साफ साफ यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें पता है दोस्तों कि जब चेन्स में टूर्नामेंट्स और लीग्स होने लगती है ना, तो बहुत ज्यादा नुकसान होने लगता है। और इसीलिए इस साल जब बनाया गया था, जब कोरोना वायरस नहीं था, तो अभी आईपीएल होता और 4 महीनों बाद अक्टूबर में फिर वर्ल्ड कप होता, तो ये जो 4 महीनों का गैप रखा गया था, एशिया कप में 3 महीनों का गैप रखा गया था, वो इसलिए रखा गया था। लेकिन जब आप गैप्स नहीं रखेंगे ना, तो एट द एंड 2021 में आईपीएल को नुकसान होगा। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाए हैं, लेकिन हमने हमारी वीडियो के माध्यम से अब ये बात सबको पहुंचा दी है, फैला दी है। तो मोस्ट प्रोबेबली अच्छा ये होगा आईपीएल और बीसीसीआई के लिए कि इसी साल जुलाई में जून में किसी ना किसी तरह से आईपीएल कराए, ताकि वो एक चेन क्रिएट ना हो पाए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि क्या 2021 में सचमुच आपके हिसाब से भी अपने आईपीएल का दिमाग लगाकर आईपीएल को घाटा होगा, नुकसान होगा? क्योंकि हमारे जैसे क्रिकेट फैंस तो पूरा क्रिकेट सीजन देखेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कहते ना कि जो सिर्फ 1-2 मैच देखने वाला आदमी होता है ना, वो विवर होता है मेन। जो डाई हार्ड फैंस है उसकी तो छोटी सी अमाउंट है, हमारे जैसी बहुत कम लोग हैं ऐसे डाई हार्ड वाले, पर वो जो लोग है ना वो छिटक सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए, जुड़े को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।